सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक आईफोन के अंदर अपनी फोटोज को हाइड कर सकते हैं। मैं नॉर्मल वाले हाइड की बात नहीं कर रहा हूं, एक परफेक्टली हाइड की बात कर रहा हूं, जहां पर आपके अलावा वो फोटो कोई भी नहीं देख पाएगा पूरे आईफोन के अंदर। कैसे आप अपने आईफोन के अंदर और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए, आपके आईफोन के अंदर ही मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप फोटोज हाइड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मैं कोई हिडन फोल्डर की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, प्रॉपर तरीके से हाइड की बात कर रहा हूं। अगर किसी के बंदे के सामने भी वो फोटो होगी ना, वो जब भी नहीं खोल पाएगा उस फोटो को, ना वो उस फोटो में देख पाएगा कि इस फोटो में आखिर है क्या आपके अलावा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं मेरे पास है आईफोन 11। ये ट्रिक आप किसी भी फोन के अंदर कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है फोटोज वाले सेक्शन के अंदर और वो फोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो उनसे आपको हाइड करनी है। तो मैं इस फोटो को हाइड करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा इस फोटो को हाइड? तो यहां पर मैं जाऊंगा एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर। एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद मुझे यहां पर ये 3 डॉट दिख रही है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जैसे ही 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना, तो मुझसे मांगेगा मार्कअप के लिए। तो यहाँ पर मैं मार्कअप सेलेक्ट कर लूंगा। मार्कअप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ जाना है प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर। जैसे ही मैं प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर ये जो है ये बॉक्स सर्कल और ये सब आ जाएगा, तो मुझे बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है, स्क्वायर। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, मुझे फिर जाना है लेफ्ट वाले, यहाँ पर ये व्हाइट और ये ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पर ये व्हाइट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर ये इस पर जैसे ही मैं करूंगा क्लिक, यहाँ पर मुझे कर देना है फिल द बॉक्स, फिल लास्ट वाला ये। जैसे ही मैं यहाँ पर, अब फिर मैं यहाँ पर कलेक्ट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको ब्लैक कलर में, एकदम ब्लैक। आप इसको ब्लू में भी कर सकते हैं, कोई से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लैक कर देता हूँ और मैं इसको कर दूंगा, फैला दूंगा पूरे पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके पूरे पे स्ट्रेच कर दूंगा, ऐसे करके इसको मैंने फोटो को इस तरह पूरे पे स्ट्रेच कर दिया है। और अब मैं इसको यहां से ऊपर कर दूंगा डन, सिंपली। जैसे ही मैं यहां पे डन करूंगा और यहां पर दोबारा से डन करूंगा और ये फोटो हो चुकी है हाइड। अब यहां पर आपको दिखेगी भी नहीं वो फोटो, कहां गई फोटो भाई, पता नहीं कहां गई फोटो। तो ये है इस ट्रिक की खासियत। अब मैं यहां से डार्क मोड जरा ऑफ करता हूं तो शायद आपको दिखे वो फोटो, और वो भी ब्लैक में। अब इस फोटो को कोई खोलेगा भी तो आप उसको वो शो नहीं होगी। आप यहाँ पे डार्क, मैं तो ऐसे डार्क मोड ऑन ही रखता हूँ ज्यादातर, तो यहाँ पर मेरे लिए तो और फायदा है ब्लैक में। आप व्हाइट में भी कर सकते हैं कलर, अगर आप डार्क मोड यूज नहीं करते। यहाँ पर मैं, मुझे ये फोटो पता है यहाँ पर है, यहाँ पर मैं इस पर मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये फोटो यहीं पर ही है, लेकिन वो किसी को दिखेगी नहीं। अब आपको वो फोटो रिवील करनी है, देखनी है, तो आप कैसे देखेंगे? सिंपली आप दोबारा से जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन पे, एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर सिंपली इन वन क्लिक रिवर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, बस रिवर्ट टू ओरिजिनल। जैसे ही करेंगे वो फोटो दोबारा से आ जाएगी। कैसी लगी है आपको ये ट्रिक? अगर आपको ये अच्छी लगी है ना ट्रिक, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग और भी ट्रिक डालूंगा अभी आगे, और यहाँ पर आप वो ट्रिक मिस ना कर दें, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।